सारा बहुत सारा स्टेट में जो ये चीज़ सप्लाई होता है और बहुत ही यूनिक है। ये देख सकते हो भाई, ओ माय गॉड, कितने किलो ओजन अच्छे पाखापाखि गोटे किलो ऊपर थी डेढ़ किलो दी किलो पाखापाखि थी अराउंड वेट अगर पूछोगे इसका 2 किलो के आसपास वेट है इसका। ओ एटा केते टका मासी जोड़ा दाको 3500 3000 जोड़ा जोड़ा एदीटा दीटा दो का रेट है 3500। आई थिंक यहाँ पे जो अगर यहाँ पे अगर इनके पास आके गांव में आके अगर आप खरीदोगे ना तो आपको बहुत कम रेट में मिल रहा है। आई थिंक अगर इसी चीज़ अगर कहीं कमर्शियल मार्केट पे जाके कहीं पे खरीदोगे बहुत ही ज़्यादा रेट होगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब डबल पकड़ लो कि ऑलमोस्ट डबल ले जाएंगे आपसे। पर आप लोग अगर यहाँ पे आके खरीदोगे ना तो इनका मेहनत का जो एक्चुअल फल है इनको मिल जाएगा। नहीं कौन का ये चालीस का मनेगी भट्टी भीतर पितोड़ा आ गुटे छाँच गरम होगी नहीं कि हेलो 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 दुनिया वालों, आई होप आप लोग जहाँ कहीं होंगे सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और एक नई सुबह और एक नया दिन, आज का दिन होगा सबसे बेहतरीन, क्या कहते हो, लाइक नेवर बिफोर। फिलहाल मैं जिस जगह पे हूँ ये ढंकनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और यहाँ पर एक गांव है, बहुत ही फेमस है वो गांव, और उसको और इस गांव को मेटल कास्टिंग विलेज भी कहते हैं ओडिशा का। और मेटल कास्टिंग विलेज क्यों कहते हैं वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा, राइट। और ये जो फ़िलहाल मैं रोड पे खड़ा हूँ ये रोड है ढंकनाल सप्तसज्जा रोड। चलते हैं फिर, देर किस बात की है ना। नमस्कार, नमस्कार, हाँ सब बोलो काम चाल जीने की। सो ये है वो गांव जहाँ पे मेटल कास्टिंग होता है। एटा को जिन सर बनाओ जी, एटा मोहम रे, मोहम काम मोहम रे बनाओ जी, एटा मोहम होगी ना माटी डा भीतर माटी डा ना, ओ भीतर ऊपर मोहम है कि है। इनका जो आर्ट जो है, स्किल जो है, ये देख सकते हो। मैं अपना ना कौन मेरा तिरनाथ भाई, तिरनाथ भाई है कौन बनो चंदे डा है वो गणेश बनो कौन बोले गणेश मान गणेश ठाकुर मूर्ति स्टैचू नहीं कि गोटे सुखी है कि देखे हाँ। सो ये है भाई इनका जो स्किल है आप देख सकते हो, मतलब क्यों फेमस है ये जो है ना, मतलब भरा है भाई, स्किल से भरा हुआ है, स्किलफुल लोग ही इसको बना सकते हैं, राइट। एक गणेश का, बेसिकली गणेश जी का एक स्टैचू है ये, गणेश जी का मूर्ति है ना, जैसे पंडाल कह सकते हो काइंड ऑफ। हाँ धन्यवाद, आगे कौन सी हो टोटल नहीं कि मौसी ये आप घर नहीं कि हाँ आम घर आगे। नमस्कार मौसी, भले सब। और यहाँ पे अंकल जी बना रहे हैं। मौसी कौन बनाऊ दी कौन कहले सुनी पार नी मैंने दी जन कि सुनी पार नहीं दी जन देख तो बेसिकली ये एक ऐसा चीज़ है जो कि जो पूजा होता है हमारे यहाँ पे जो ना लक्ष्मी पूजा होता है तो उसमें जो है इस रिचुअल में कुछ चीज़ें क्या करते हैं पता नहीं मुझे तो, पर वो चीज़ यूज़ होता है, ये चीज़ जो है वहाँ पे यूज़ होता है, राइट। और ये जो अंकल आंटी हैं ये लोग मैं पूछ रहा हूँ तो इनको क्या है ना इनको सुनाई नहीं देता ठीक से, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। चलो ठीक है, नमस्कार। ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए पर उम्र के साथ जो है हो जाता है, क्या कर ही सकते हैं ना। और यहाँ पे बना रहे हैं। मुझे नमस्कार, नमस्कार, आओ केम जी अच्छा कौन बनाऊ चंदे अपन डायनासोर कौन गले डायनासोर डायनासोर। तो अंकल जी एक डायनासोर बना, अरे कुत्ता भरी भरी उठी। सो अंकल जी जो है बेसिकली एक डायनासोर बना रहे हैं
और टैलेंट देखते ही बन रहा है अंकल जी का, देख सकते हो आप जो है ना, और पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ ही साथ स्किलफुल अंकल हैं बहुत, है ना। अच्छा है, इस जगह का जो खासियत है ना वो ये है, अरे फाइनल प्रोडक्ट ये है इनका, जो प्रोडक्ट जो है ना फाइनल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं ये है, और इसकी वजह से जो है ये जगह सबसे ज्यादा फेमस है। एडा हाथर बनाई जी एडा सब हबो पर एडा सब सिंपल हबो ना एडा हाइट बता नहीं, ये जो है ये फिनिशिंग प्रोडक्ट है, और फिलहाल जो अंकल जो बना रहे हैं वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। बहुत ही ज्यादा इंडिया में हर स्टेट पे ये चीज सप्लाई होता है, मैंने कहीं तो पढ़ा था ऐसे कुछ नींद। हाँ मौजी, कौन कौन रोसे चल जी सागो हाँ सागो खोरा हाँ हाँ अब बोलो चंदी हाँ मजा रोली, धन्यवाद। आगे ऐसा कुछ इनका घर है और बांबू से बनाया हुआ है, बांबू और मर्द से बनाया हुआ इनका घर, पर है बहुत ही अच्छा है, पीसफुल जगह है, और चारों ओर जो जंगल भरा हुआ है और मतलब शांत है काइंड ऑफ कह सकते हो। और जो है फाइनल फिनिशिंग जो है यहाँ पे दिया जाता है, ये देख सकते हो यहाँ पे जो है। हाँ मौसा नमस्कार। नमस्कार। और ये जो फाइनल फिनिशिंग जो है ना, जो इस मशीन से बेसिकली बनाया जाता है, और ये देख सकते हो ये है अमेजिंग स्किल्स। वेट है, हाथ में पकड़े हुए आप सोच रहे होगे शायद हल्का होगा, हल्का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वेट है। और एडा को जिन सर बना है जी, मैंने एडा मेटल पित्तल पित्तल नहीं कि पित्तल ब्रोंज या जो भी। हाँ 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 पित्तल गोटे कौन ब्रोंज रे बना हुए ना कौन ब्रोंज नुह खाली पित्तल नहीं कि। और पर पीस जो है 2500 है, और इसका वेट जितना है उसके हिसाब से फेयर है, और रेट जो है फेयर है। आप पछर पुणी कौन लगे नहीं कि। और पिकॉक का टेल जो है अभी तक ये कम्प्लीटली अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, इसका पीछे एक टेल लगेगा, अभी जो अंकल देख रहे हो अंकल जी लगा रहे हैं। हाँ ये है, अब हुआ ये कंप्लीट है ना, अब ये बेड़ा कंप्लीट है ना नहीं जी कंप्लीट। तो अगर जितना हार्डवर्क और मेहनत के साथ ये चीज़ बनाया ना, 2500 रुपया मेरे हिसाब से जो है, और डील जो है मुझे पूछोगे तो फेयर डील है। और ये जो है अभी फिनिशिंग कर दिया है, और यहाँ पे आंटी जो है बहुत सारे डिफरेंट मतलब काइंड ऑफ रखा हुआ है। अपन एडा कोडी नहीं की जानती बिक्री करिया भाई, मेला को जाए मेला को जानती उत्कल का दिया हुए उत्कल माने बाहर ओडिसा बाहर भी जाऊ तो। हां हां बाहर ओडिसा बाहर नहीं हमें स्टेट है बड़ी। तो जैसे कि मैंने कहा बहुत सारा स्टेट में जो ये चीज सप्लाई होता है, और बहुत ही यूनिक है, ये देख सकते हो भाई। ओ माय गॉड, कितने किलो ओजन अच्छे पाखापाखि गोटे किलो ऊपर थी दे किलो दु किलो पाखापाखि थी अराउंड वेट अगर पूछोगे इसका 2 किलो के आसपास वेट है इसका। ओ एटा कितने टाइम से जोड़ा जाको 3500 जोड़ा ए दीटा 2 का रेट है 3500। आई थिंक यहाँ पे जो अगर यहाँ पे अगर इनके पास आके गांव में आके अगर आप खरीदोगे ना तो आपको बहुत कम रेट में मिल रहा है। आई थिंक अगर इसी चीज़ अगर कहीं कमर्शियल मार्केट पे जाके कहीं पे खरीदोगे बहुत ही ज़्यादा रेट होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब डबल पकड़ लो कि ऑलमोस्ट डबल ले जाएंगे आपसे। पर आप लोग अगर यहाँ पे आके खरीदोगे ना तो इनका मेहनत का जो एक्चुअल फल है इनको मिल जाएगा। राइट, छोटो आइटम 150 लिखे छोटो
जो छोटे छोटे साइज है ये सब 150-200 से शुरू है सारे सामान, और पूरा बैग में भरा हुआ है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट। एक फिश है, ज्वेलरी बॉक्स, और बेसिकली आप जो चीज़ें सारे हैं ना, जो सारे के सारे चीज़ आप लेके घर को डेकोरेट कर सकते हो, और सारे के सारे हैंडक्राफ्टेड चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें जन लक्ष्मी नारायण देव तेटा रुजन आते हैं। हां एडी तो बहुत आ लोग को आसु थियो तो फर्नर में भी आसु थियो बहुत लोग हां एक्चुअली कोविड लागि ठीक है कम जाय ठीक कम जाय छे बुढा बुढी एटा बनो जों नहीं की। हां वहां पे जो अंकल जो बना रहे थे ना उसका जो फिनिशिंग टच जो है, फिनिशिंग जो है ये है, पहले शेप बनाते हैं नॉर्मली और उसके ऊपर जो है इस चीज को मेटल को आई थिंक जो है गरम करके ना गरम करके तब पर पकान दी बता नहीं कि मेरा पोड़ा है भाटी लागी जी भाटी लागी हां भाई जय जगन्नाथ बोल लो चंदी हसी भरी भी हसी भरी भी सर अरे ये जो है अभी जो मैं को बता रहा था ए एडा बनई चंदी आ भीतर पीतल गरम करी पक्का होबो ना कोन या ऊपर माटी दिया होबो माटी दिया होबो माटी दिया ला पर आ गुटे माटी दिया होबो हां हां तापर गुटे काहाळी भोलिया कोई होबो हां हां तापर पीतल दिया है कि तापर मुद्ध करा होबो मुद्ध करा हला पर से कोइला माने आंच रे इलेक्ट्रिक द्वारा से फैन बोलियो से गरम रे से ताको पुडा होबो। मतलब सोचो यार हार्ड वर्क का लेवल जो है इनका अल्टीमेट लेवल का हार्ड वर्क कर रहे हैं लोग। पहले तो इसका डेमो बनाया जाता है, एक काइंड ऑफ एक पोर्ट्रेट बनाया जाता है, उसके ऊपर जो है मेटल को या जो भी हो उसको गर्म करके फिर इसके ऊपर जो है डाल के उसको फिर आग में डाला जाता है, और वो जो भाटी है वो आपको मैं दिखाता हूँ जो पहले बन रहा है जहाँ पर, और ऐसे कुछ बनाया जा रहा है। মহমবতী ঝুণা পিচু দিয়ে রন্ধা হয়েছে এই যে তার ডাইসটা রহিলা সে পুরা রহিলা ডাইসটা পুরা পুরি এপটে মাটি রহিলা এপটে মাটি রহিলা মঝিটা ফাঙ্কা রহিলা পিতল যে মেল দিয়ে পুরা পানি হয়েছিল সে যে ডাইস তার অছে চিহ্ন যা সব অছে সে গ্যাপ পূরণ হয়ে যাব হয়েগলা পরে সে গরম বর্তমান অছে দুই ঘন্টা পরে ঠান্ডা হয়ে যাব ঠান্ডা হলা পরে তাকে বাড়ি দেলে মাটিটা ছাড়ি যাব এ মাটিটাকে তাড়ি দেব এটা পুরা পিতল হয়ে রহিলা এইটা এ মাটিটা বাহারি পড়ব এই মাটিটা বাহারি পড়লা এই মঝিটে যে রহিলা এটা এটা পিতল হয়ে রহিযাব এমতি হচ্ছে কামটা আমার। সো ভাই সাহেব যে छोटे से जब छोटे थे तब से बना रहे हैं, और एक्सपीरियंस जो है ना वो जो है चीज़ से इस चीज़ में दिखाई दे रहा है इनका एक्सपीरियंस राइट। सो हो भाई धन्यवाद सेमती काम करू था पुणी के आसिले देखा हो रही। सो इनका जो हार्डवर्क है वो एक अल्टीमेट लेवल का हार्डवर्क चल रहा है भाई इनका। आओ सब भल तो चली जी कौन खेलु चेटा बाटी बाटी यार इनका मतलब खेलने का तरीका देख के ना मुझे अपना छोटा जब बचपन याद आ गया, तो हम लोग भी जब छोटे थे ना ये सब खेल करते थे और घर में जाते ही बहुत ज़्यादा मार पड़ता था। किए जीतला किए जीतला इतने पाखुरु मारू चो मैं ऐसे ऐसे टाइम पे पहुंच जाता हूँ ना कहीं पे, मतलब बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं, एकदम सुबह को दिन में 12 बजे 4 बजे ऐसे टाइम पे जाओगे ना लोग क्या करते हैं सोए रहते हैं अपने घर पे, या फिर 4 बजे जाओगे 3-4 बजे हमारे यहाँ का एक मतलब एक क्या कहूँ एक ट्रेडिशन है क्या है पता नहीं, लोगों का आदत है कि 2 बजते ही ना खाना खाते हैं और खाना खा के थोड़ा रेस्ट लेते हैं, ये चलता है। और ये है वो घाटी जहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे जो है एक्चुअल में जो फिनिशिंग जो होता है ना फिर यहाँ से बनता है। अब भाई जो बोला आगे कौन का ये चालीस काम बनेगी भाटी भाटी भीतर है पिछड़ा डाल के
पितळ आ गुडे खांचा उग गरम हो गरम हो जने की जो है ये जो पितल जो बचा कुचा जो पितल है ना इसको गरम करके अंदर फिलहाल इसको ये किया जा रहा है मेल्ट किया जा रहा है फिलहाल पितल को इस चीज़ को मेल्ट किया जा रहा है कोयला कोयला का भाटी के अंदर और भैया जो है काम कर रहे हैं सोचो यार कितना मेहनत वाला काम है पूरा मेल्ट किया जाएगा इस चीज़ को मतलब जो भी है ये देख सकते हो इतना बड़ा इतना हार्ड सा है पर इसको भी मेल्ट किया जा रहा है इसके अंदर सोचो तो इसको मेल्ट करने के लिए कितना ज़्यादा आग की ज़रूरत पड़ रहा होगा है ना और ये है वो कोयला कोयला कूड़ा चुए कल्चर कल्चर ये वो कोयला जिससे यहाँ पे ये किया जा रहा है ये छांचो नहीं की तो जो चीज बनेगा एटा को की जिन सो एटा मयूरो मयूरो हाँ हाँ देख लीजिए सो ये है एक इसका शेप है ये पिकॉक का शेप है ये जिसको छांचो कहते हैं यहाँ पे और इस चीज़ को मतलब जब हो जाएगा वो चीज़ गरम इसको इसके अंदर डालेंगे इसको डालेंगे और फिर यहाँ पे बनाया जा रहा है और ये चीज़ जो है इसके अंदर फिलहाल जो है गरम किया जा रहा है राइट ठंडा ठंडा ही आस लेनी है भाई बढ़िया हो अभी ये चीज़ जो है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है इसको फटा कर जो है एक्चुअल चीज़ जो है अभी निकल आ जाएगा देखो कैंडल ये अभी थोड़ा गर्म है अभी अभी निकला है थोड़ा सा गर्म है पर ये जो है ऐसे बनता है अभी जो भैया जो है भाटी के अंदर से एक निकाल ले और निकालने के बाद ये जो है आप देख सकते हो ये एक हाथी बेसिकली एक एलिफेंट का पोर्ट्रेट है और इसको जो है बाद में लास्ट में वहाँ पे लेकर पूरा फिनिशिंग टच दिया जाता है फिलहाल जो है ये इनकम्प्लीट है अभी राइट हाथी का रथ है ये एक मतलब हाथी का चैरियट कह सकते हो काइंड ऑफ ये कुछ एक लंठन टाइप का बनाया जा रहा था पर सोचो यार इतना मेहनत करने के बाद मेहनत पे सारे मेहनत पे जो है पानी फिर गया मतलब ख़राब हो गया ये चीज़ बहुत गर्म हम धारा पड़ी गला मेरी अब ये चीज़ अभी अभी निकाला गया है बहुत ही ज़्यादा गर्म है और एक दो है जो डैमेज हो जाता है कई बारी जो है फॉल्टी हो जाता है मतलब बनाने के टाइम में जिसकी वजह से जो है सोचो इतना मेहनत करने के बाद अगर फिर फॉल्टी निकल जाए तो कितना ख़राब लगता होगा है ना हमारा क्या मैं इनकम डाइट लगे लूँ यदि खराब हो गया हमारा जितनी इनकम हर तार हो भाई ठीक है भैया धन्यवाद भाई सो ये था दोस्त बात ऐसा है इंसानियत को अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना वो है दुआ और दवा की है ना आप दुआ में याद रखिए दवा का क्या है दवा तो दुकान पे भी मिल जाता है इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी और एक वीडियो के साथ तब तक के लिए जहाँ भी रहें सेफ रहें खुश रहें उससे भी ज़रूरी हंसते रहें क्या ही पता आपका हंसी देख किसी और का दिन बन जाए जय जगन्नाथ